हाँ, और इतना दर्द गुरु चेले पे और यूं सहना मुश्किल हो जागा। हमारी कमेटी की तरफ से फूल मालाओं से और 251 रुपए से मान सम्मान वो कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है, कई हजार रुपए पहले दे चुके हैं और 101 रुपए फिर से आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, परम आदरणीय हरिंदर चौधरी जी सूदना हापुड़ से, परम आदरणीय हरिंदर जी गांव सूदना हापुड़ से फिर से 101 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए होनी चाहिए। पहली कड़ी के माध्यम से चंद्रमा पे रे चौदस के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जागा। और गोपी चल पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चल पे सहना मुश्किल हो हो जागा। और गोपी चल पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। और इतना दर्द गुरु चल पे सहना मुश्किल हो जागा। और परम आदरणीय
पाल मेडिकल पटपोई चौराहा से 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई रागनी समझ में आ रही है? अगर रागनी समझ में आ रही है तो जोरदार तालियों से बता दे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली कली के माध्यम से के बताए भला। यूं कहने लगा, गुरु जी आपने जो भजन करने का मुझे आठों आम काम दिया है वो भी कर लूंगा, आपने जो दसों इंद्रियों पर काबू करना बताया है उसे भी कर लूंगा, लेकिन जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे माँ कैसे कहूंगा गुरु जी, जब मैं अपने नगर में जाऊंगा पर उसे माँ कहूंगा, ये दुनिया मखोल करेगी, हंसी करेगी मेरे साथ में, किस तरह से गुरु से हाथ जोड़ के क्या फरियाद करता है, के कहता बला। हजार रुपए पहले और फिर से परम आदरणीय चौधरी हरिंदर जी गांव सूदना हापुड़ से, परम आदरणीय हरिंदर जी सूदना हापुड़ से 100 रुपए से फिर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और सोनू पवार फौजी जी, फौजी सोनू पवार जी कटाई से, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। लास्ट गली के माध्यम से किस तरह से वो गोपी चंद क्या कहने लगा भला। बस ताना हाथी, भेड़ा मुश्किल हो जाएगा।